यात्री अपनी छतों पर चढ़े हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं 15 अगस्त को, और सभी लोग पतंग उड़ा रहे हैं, कोई लूट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हमारे बच्चे भी लगे पड़े हैं पतंग उड़ाने में, लूटने में। ये देखिए कितनी सारी पतंग लूटी है यहाँ पर अनमोल ने, अनुराग ने, तो इधर आ गई। देखिए वंदना भी, वंदना दीदी, तो वंदना भी रेडी होकर आ गई। बच्चे हमारे आ गए हैं सुबह से, और तो मुझे फोन क्यों करा सुबह, और हम काम कर रहे हैं रसोई में, और रसोई के बर्तन भांडे मांजने में लगे पड़े हैं सुबह ही नहा धोली में, तो नहा तो मैं सुबह के लिए दोबारा ना आए, हम दोबारा नहाना पड़ गया क्यों भाई, है ना भाई। तो यहाँ देखिए देवू भी बैठे हुए हैं, ये देखिए अपनी बहू से बात कर रहे हैं, बहू गई है मायके, बातचीत हो रही है बस। ओहो 15 अगस्त फोन पे मनाओगे, फोन पे 15 अगस्त मना रहे बीबी के साथ। इधर राहुल लगे पड़े बच्चों के साथ पतंग उड़ाने में और लूटने में, और इधर पापा बच्चों के वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, और मैंने यहाँ घूंघट इसलिए कर रखा क्योंकि मेरे जेठ वगैरह भी छत पे खड़े हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा इतना पर्दा करके थोड़ा सा घूम के खड़ी हूँ ताकि मैं उन्हें ना हाँ देख पाऊँ। तो देखिए वीडियोस बना रहे हैं अनमोल के पापा, अनमोल के पापा सभी को तो बोलना पड़ेगा ना, आओ खड़े हो। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता की बहुत बहुत मुबारकबाद। 78 ईयर्स हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए हुए, तो बहुत बहुत मुबारक हो हमारी पूरी फैमिली की तरफ। आज के ब्लॉग में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि या दिखा चुका हूँ क्योंकि ये शाम का वक्त है, जो मेरे ऑफिस में आज 15 अगस्त मनाया गया है वो भी आपको मैंने दिखाया है आज, तो मैं छोटा सा एक शॉट उसके लिए भी डालूंगा ऑफिस का। ऑफिस में भी आज उनका प्रोग्राम हुआ था कि झंडा लहराया गया था और छोटा सा प्रोग्राम हुआ था। तो उधर देखिए वंदना वीडियो बना रही है अपनी, ये देखिए सब लगे पड़े इंजॉय करने में। वंदना बना रही है और वीडियो, देख देख अनुभव तो खुद बस मन गया, फोन पे 15 अगस्त लेकर नहीं आ सकते थे एक घंटे को देवू, बस और घर परिवार क्या कह रहा, घर परिवार किट्टू घर परिवार की बात हो रही है इनकी, पूरा सारा खत्म हो गया सर। यार वीडियो बनाने का सेक्शन उधर करते देखिए अनुराग उड़ा रहा है पतंग, हाँ देवू है, देवू है, देवू ने पकड़ रखा है, देवू है ना देवू। तो देखिए गाइस देखिए अनुराग ने पतंग उड़ा रहा है पर इससे उड़ नहीं पा रही, अब मेरी बना दो। देखिए गाइस बच्चे कर रहे हैं एंजॉय, और देखो अनमोल के पापा लूट लूट के दे रहे हैं पतंग अनुराग को, बहुत सारी पतंगे आ रही हैं। और देखिए लाली वहाँ पर है, लाली को बोल, हाँ मैंने लिख दिया है, ये पतंग जिसने मिले इस नंबर से कॉन्टेक्ट करेगा, ये जिसे भी मिलेगी उसे 10,000 रुपए देगा अनुराग, नहीं जो पतंग वापस ला के देगा 30 रुपए की मोमबत्ती प्लेट। लाली का वाल लगाना, लाली का वाल लगाओ, लाली Thank you.
बहुत गर्मी लग रही है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, बहुत गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, फिर भी हम बैठे हैं एंजॉय करने के लिए, क्योंकि सभी लोग छत पर, जितने भी हमारे यहाँ के आसपास सभी छतों पर एंजॉय कर रहे हैं, गानों की आवाज आ रही है, उनका लुत्फ उठा रहे हैं हम। तो अभी नहीं जाएंगे हम, थोड़ी देर बाद जाएंगे, टाइम 7 बज गए हैं, तो अभी नहीं जाएंगे, अभी इंजॉय करेंगे थोड़ा सा और। और हमारा अभी खाना नहीं बना, हम खाना जाके बनाएंगे, आज किचन के चक्कर में मेरा खाना नहीं बना, नहीं तो मैं खाना बनाकर रख देती हूँ, कोई नहीं जाके बना लेंगे खाना, कोई बात नहीं, 15 किया खा लेंगे हम, आज तो 15 बना रहे हैं मखनी दाल, आज हम 15 किया दाल खा लेंगे, 15 बना रहे हैं। Few moments later. देखिए गए हम लोग आ गए छत पे से, 8 बज चुके हैं, और ये देखिए मेरे देवर भी आ चुके हैं, ये आ गए देवर। हेलो, इस सुबह से पता नहीं कहाँ थे, मैं घर पे ही था, घर पे थे मगर आए नहीं, बुलाया नहीं, मैंने बुलाया, आज मैं काम करती हूँ, बर्तन ना मंजवाने पड़ जाए भाभी के साथ, इसलिए आई ना, बर्तन तो मैं बर्तन धो रही थी किचन के, इन्होंने मुझे देख लिया नीचे से, पूछा भाई का, मैंने कहा ऑफिस गए, तो डर के मारे ऊपर नहीं है कि भाभी कोई काम ना बता दे, बर्तन ना मंजवा ले, कहीं बाल्टी ना भरवा ले, धुलाई ना करवा दे, डर के मेरे से ये कोई काम न करवा दे भाभी। और अब बनाऊंगी मैं खाना, मैं कह रही थी खाना बनाने को, डरते नहीं हम, टाइम नहीं मिला, डरते नहीं मरते हम तुम पे। क्या करते फिर बोलना, डरते नहीं मरते हैं तुम पे। कह रहे डरते नहीं मरते हैं तुम पे, हम तुम पे मरते हैं, हैं? हम आपके हैं कौन, कौन है हम आपके हैं कौन, वही कौन, वही जल्दी बताओ, तुम मेरी वही हो। देख रहे मेरी वही, आजकल के देवर कैसे हैं, पहले के देवर पता क्या कहते थे, भाभी माँ, हाँ तो वही का मतलब वही है। तुम गलत ले जाओ तो देख लो, भाभी माँ बोलते थे, और आजकल के देवर तुम मेरी वही हो, हाँ तो वही कौन, जो पुराने लोग कहते थे क्या, भाभी माँ बोलो मुझसे, भाभी माँ बोलो, अब बोले ना भाभी माँ, सही एकदम राइट, तुम गलत ले जा, बोलो भाभी माँ, भाभी माँ, हाँ भाभी माँ हूँ मैं, वही ना, वही भाभी माँ। तो थक गए, कपड़े करूंगी चेंज, और फिर उसके बाद में आपसे मिलते हैं, कुछ क्या बनाएंगे। अनमोल के पापा जो मेरे लिए मंगलसूत्र लेकर आए ये गिफ्ट में, तो ये है चांदी का मंगलसूत्र, ये देखिए। तो कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, तो मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा, सरप्राइज दिया तो बहुत ही अच्छा सरप्राइज था, तो बहुत ही अच्छा सरप्राइज था, ये मेरा गिफ्ट है, किस चीज़ का बताओ, ये फ्रेंडशिप डे, ये फ्रेंडशिप डे का मेरा गिफ्ट है, इन्होंने कहा था कि उधार है, तो मैंने पूछा था, तो इन्होंने कहा कि जो मैं लेकर आऊंगा वो तू भाई, वो ये कि मेरी पसंद तो ऐसी थी, तो मैं जैसा मुझे पसंद, पर नहीं बहुत अच्छी पसंद है, बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। वैसे पति को थैंक यू नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नहीं नहीं थैंक यू सो मच नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है और ये इनका कर्तव्य है, तो निभा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और ये देखो
ये देखो ये कितनी मजाक उड़ाते हैं, जब बहू आ जाएगी ना जैसे पता चलेगा आटे दाल का भाव पूरा नहीं हुआ तुम्हारा इनको आटे दाल का इन्हें आटे दाल का भाव ना जब पता चलेगा, अभी तो बोल रहे हैं ये, जब पता चलेगा जब बहू के लिए लाना पड़ेगा हर चीज हर सोने के औकात बदल लिए कपड़े और अब बना रही हूँ मैं पकौड़े नहीं बना रही मैं बना रही देखिए मैंने बेसन घोल दिया है तो मैं बना रही ब्रेड पकौड़े तो मम्मी के पापा को जिद चढ़ गई कि मैं ब्रेड पकौड़े ही खाऊंगा वैसे तो आलू के पकौड़े गए थे मैं उन्हें खिलाना नहीं चाह रही तो मैंने सोचा चलो ब्रेड पकौड़े बना लेते कह रहे ठीक है बना ले तो आज 15 अगस्त तक कुछ स्पेशल तो होने चाहिए मैं हर बार अच्छी ही चीज़ बनाती हूँ मगर आज ऐसा हुआ तो मैं लगी थी आज घर की साफ सफाई में किचन की में तो मैंने कहा था सब्जी वब्जी ला दो नहीं ला पाए तो मैं कल का खाना भी रखा हुआ था हमने दोपहर में वो खा लिया तो इस वजह से थोड़ा सा ये पंगा हो गया मेरे किचन में लगने से नहीं तो मैं 5 बजे तक खाना बना देती तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती तो कह रहे कुछ अच्छा बना क्योंकि सावन चल रहे हम चिकन भी नहीं बना सकते तो कह रहे मेरे लिए यही अच्छा तो यही बना दे तो अभी मैंने यहाँ पर अभी पन्नी वन्नी नहीं लगाई तो अभी मैंने डब्बे ऐसे लगा दिए हैं तो कल पन्नी वगैरह लगा के तो अच्छे से सब सेट कर दूंगी जब आपको दिखाऊंगी अभी तो मैंने खैर साफ सफाई कर दी टाइल सब मार दिए हैं तो चलिए गए तो बनाते हैं ब्रेड पकौड़े फिर आपको भी दिखाते हैं कैसे बने देखिए मैंने बेसन घोल दिया है इधर तेल डाल दिया तो बनाते हैं हमारे ब्रेड पकौड़े बन चुके हैं पेटी आ चुकी है खाना भी आ रहा है खाना भी हमारा यही है आज खाना पाना कुछ नहीं यही है हमारा खाना अनमोल के पापा ने बनवाए आप भी खाइए हमारे साथ में चाय और ब्रेड पकौड़े गर्मी लग रही है बहुत और आज का हमारा खाना यही है तो उसी ब्रेड पकौड़े के साथ में करते हैं ब्लॉग का एंड मुझे फॉलो करिए और मेरे देवर को फॉलो करो भाई इंस्टाग्राम का फॉलो करिए यार चाय पिए हम